बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है जिंगर बर्गर की। ये जिंगर बर्गर बहुत ही मजे के बनते हैं, आप इसको जरूर ट्राई करें। लॉकडाउन की वजह से बाहर से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो आप लोग घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है। मैंने कुछ इस तरह के पीसेस लिए हैं, साइज में कटिंग किए हुए। अब हम एक फोक ले लेंगे और उसकी मदद से इसको टैप टैप कर लेंगे हल्का सा, ताकि जो जूसेस हैं और फ्लेवर्स हैं सारे चिकन में आ जाएं। इसी तरह मैं सब चिकन को कर लूंगी आस्ता आस्ता। हम सारे चिकन को अच्छी तरह टैप कर लिया है। अब अपने स्पाइसिस की तरफ आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, नमक हसबे जरूरत। ये जिंजर पाउडर है मेरे पास, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून लिया है गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लिया है मैंने जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर। ये है मस्टर्ड पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। ये सारे स्पाइसेस मैं सारे इसमें लगा दूंगी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर। अब सारे स्पाइसेस को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। अब इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, तब तक हम अपनी सॉस रेडी कर लेंगे। अब हम झींगे की सॉस रेडी कर लेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पे मायोनीज ली है, ये घर का है, ये मैंने अभी रेडी किया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे कोई भी हॉट सॉस। 1 टेबल स्पून हमने हॉट सॉस ऐड कर दी है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें मस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारी जो सॉस है वो रेडी हो चुकी है, अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। हमारे चिकन को पड़े हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम एक पीस उठा लेंगे और इसको सिंपल मैदे में डिप करेंगे। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, जो सही रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। कुछ लोग इसमें नमक मिर्चे मसाले वगैरह डाल के डालते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं डलता। अब हम इसको सिंपल पानी में डिप कर देंगे और दोबारा फिर मैदे की कोटिंग करेंगे। इस तरह दबा दबा के अच्छी तरह कोटिंग करते जाएंगे इसकी। हमने इसकी 2 दफा कोटिंग कर दी है, अगर आप चाहें तो आप 3री दफा भी कर सकते हैं, लेकिन वो उससे टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। अब 3 मिनट आपने इसको हिलाना नहीं है, वरना ये इसके जो क्रम्स है वो टूट सकते हैं। 3 मिनट ऐसे पे फ्राई होंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत फ्राई हुआ है, ये कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल KFC स्टाइल में। अब हम अपने बर्गर को असेंबल कर लेंगे। तो एक ब्रेड पे हम लगा लेंगे केचप और दूसरे पे मेयोनीज लगाएंगे। अच्छी तरह आप ब्रेड पे लगा लेंगे, आप जो चीज चाहे लगा सकते हैं पहले। अब हम ले लेंगे आइस पर सलाद का पत्ता, इसके ऊपर हम रखेंगे अपना चिकन का पीस और इसके ऊपर ये सॉस लगा देंगे, जिंगर सॉस जो हमने अभी रेडी की है। बहुत ही मजे की लगती है ये सॉस।
अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीजें अच्छी तरह थोड़ी सी ग्रीट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप स्लाइस लगा लें, मेरे पास यहाँ पे स्लाइस नहीं है इसलिए मैं थोड़ी सी ग्रीट कर लूंगी। इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आपका जी। तो हमारे जो बर्गर हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।